हेलो एवरीवन, आज हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। हम सुबह से उठकर और शाम तक जब तक हम सोते हैं तब तक बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। उसमें कुछ प्रोडक्शन की एक्टिविटी, कुछ कंजम्पशन की एक्टिविटी और कुछ एक्सचेंज की एक्टिविटी रहती है। हम इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक राजू नाम का लड़का है जो सुबह उठता है और सुबह उठकर 5 बजे वो पेपर हॉकर का काम करता है और वो घर घर पेपर पहुंचाता है। फिर वापस घर आकर वो अपने कॉलेज के लिए तैयार होता है और वो कॉलेज जाने के लिए बस पकड़ता है। जब वो बस से उतरता है तो उसे एक पप्पी मिल जाता है, पप्पी के साथ वो खेलता है और फिर वो अपने कॉलेज के लिए जाता है। कॉलेज जाने के बाद वो अपनी पढ़ाई करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राजू नाम का लड़का सुबह उठकर और वो पेपर हॉकर का जब काम करता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, यानी कि आर्थिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें पैसे का लेन देन होता है और गैर आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है। तो पेपर पहुंचाने का जो काम है वो आर्थिक क्रिया में आ गया। उसके बाद जब वो अपने कॉलेज के लिए तैयार होता है और जब बस पकड़ता है तो बस पकड़ना भी क्या हो गया, एक आर्थिक क्रिया हुआ, क्योंकि वहाँ पे पैसे का लेन देन होता है। फिर जब वो बस से उतरता है और उसे एक पप्पी मिलता है और पप्पी के साथ जब वो खेलता है तो ये गैर आर्थिक क्रिया हुआ, क्योंकि इसमें किसी चीज़ का लेन देन नहीं है। उसके बाद वो कॉलेज पहुँचता है और उसके जो टीचर्स हैं, उसके जो शिक्षक हैं, उसे शिक्षा देते हैं, तो वो एक आर्थिक क्रिया हुआ, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज का लेन देन है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में चला आएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि राजू नाम का लड़का सुबह से उठ के बहुत सारी एक्टिविटी करता है जिसमें वो कुछ आर्थिक क्रिया करता है और कुछ वो गैर आर्थिक क्रिया करता है। तो ये जो क्रियाएं हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं वो प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सचेंज से रिलेटेड होता है। अब ये राजू नाम के लड़के को भूख लग जाती है तो इसके पास 10 रुपए हैं। अब ये 10 रुपए लेके कैंटीन में जाता है और वहाँ पर इसे केले और आम मिलता है। तो केले का दाम भी 2 रुपया है और आम का दाम भी 2 रुपया है। दोनों में से ये दोनों कॉम्बिनेशन को चूज करेगा। ये हो सकता है कि आम 1 ले और केला 2 ले, या फिर ये भी हो सकता है कि केला ये 2 ले या और आम 1 ले। तो हम लोग केले को x मानेंगे और आम को y मानेंगे, ठीक है। तो ये जो भी कॉम्बिनेशन लेगा उसको हम लोग सेट, उसे हम लोग सेट की संज्ञा देंगे, चाहे वो 2 केले भी ले सकता है, ठीक है, और वो 2 आम भी ले सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसने x और y कॉम्बिनेशन को चूज किया और ये क्या कहलाता है, ये सेट ऑफ कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है, ये एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है।
अब राजू जो है वो केले का ज्यादा बंडल लेगा या आम का ज्यादा बंडल लेगा, ये उसकी उपयोगिता पर डिपेंड करेगा। उपयोगिता, यूटिलिटी, उपयोगिता या यूटिलिटी इस पर डिपेंड करती है कि आपको कौन सी वस्तु ज्यादा पसंद है। अगर राजू आम अगर ज्यादा पसंद कर रहा होगा तो आम का बंडल ज्यादा लेगा, और अगर केला ज्यादा पसंद कर रहा होगा तो वो केले का बंडल ज्यादा लेगा। ये भी हो सकता है कि वो 10 रुपए के 5 केले ले ले और आम वो 1 भी ना ले, ठीक है, तो ये भी एक सेट हो जाएगा, ठीक है। या अगर उसे आम पसंद है तो ये भी हो सकता है कि वो 1 भी केला ना ले और वो आम 5 ले ले, ठीक है, क्योंकि उसके पास 10 ही रुपए हैं, तो 10 रुपए के वो 5 केला भी ले सकता है और 5 आम भी ले सकता है, ठीक है। तो ये सेट 1 हो गया और ये सेट 2 हो गया, ठीक है। तो उपयोगिता जो है, उपयोगिता सब्जेक्टिव होता है, यानी कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान पे वेरी करता है। मानिए कि अगर किसी को चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट जो है उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, उसे ज़्यादा संतुष्टि देगा, और अगर किसी को चॉकलेट पसंद नहीं है तो वो चॉकलेट उसे संतुष्टि नहीं देगा। तो ये अपने अपने पसंद के ऊपर है। मान लीजिए कि आपको बहुत जोड़ों से प्यास लगी है और एक बोतल पानी का दाम है 20 रुपए, ठीक है, लेकिन आपसे कोई 50 रुपए इसके ले रहा है, तो आपको बहुत जोड़ों से प्यास लगी है तो आप 50 रुपए देने के लिए भी आप राजी हो जाएंगे, ठीक है, ये जानते हुए भी कि 20 रुपए इसका दाम है, लेकिन जब आपको जोड़ों से प्यास लगेगी तो आप 50 रुपए भी देने के लिए आप राजी हो जाइएगा। तो उपयोगिता जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जाड़े के मौसम में हमें स्वेटर की ज़रूरत होती है, रूम में हीटर की ज़रूरत होती है, और गर्मी के दिन में हमें नहीं होती। तो जाड़े के समय में अगर हमें वो चीज़ चाहिए तो हम लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन गर्मी के दिन में अगर हमें बहुत ही सस्ते दाम में भी मिले तो हम उसे लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसे कहते हैं यूटिलिटी और उपयोगिता। उपयोगिता को 2 तरह से मापते हैं, एक है कार्डिनल यूटिलिटी, गणनावाचक उपयोगिता, और एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्रमवाचक उपयोगिता। तो ये गणनावाचक उपयोगिता जो है इसके बारे में अभी जानेंगे। गणनावाचक उपयोगिता ये कहता है कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं। मानिए कि अगर किसी इंसान को कोई शर्ट अगर पसंद आता है और वो उसे यूज करता है तो वो इंसान ये कह सकता है कि ये शर्ट जो है हमें 50 इकाई, ठीक है, 50 इकाई या 50 यूनिट उपयोगिता दी है, ठीक है। तो कार्डिनल यूटिलिटी का कहना ये है कि उपयोगिता को हम लोग माप सकते हैं कि उसने, किसी भी वस्तु ने कितनी संतुष्टि प्रदान की है, और उसे हम नंबर्स में बता सकते हैं कि उसने इतनी संतुष्टि हमें प्रदान की है। गणनावाचक उपयोगिता के मापक यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी को हम लोग 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक है टोटल यूटिलिटी और दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी, एक है कुल उपयोगिता और दूसरा है सीमांत उपयोगिता। जैसे कि राजू ने केले पसंद किए तो उसने केले खरीदे, और पहला केला जो है खाने के बाद उसको यूटिलिटी कितनी मिली, उसको मान लो कि यूटिलिटी उसको X1 मिल रही है, ठीक है। दूसरा केला खाने के बाद उसको यूटिलिटी कितनी मिली, उसको यूटिलिटी मिल रही है X2, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा केला खाने के बाद उसको यूटिलिटी मिल रही है X3 एंड सो ऑन। तो ये जब हम लोग इसे जोड़ेंगे, ठीक है, और इसका जो रिजल्ट होगा तो इससे ये पता चलेगा कि
कुल केले खाने के बाद उसे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी उसकी कितनी हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता वह उपयोगिता है, मानो कि राजू ने केले खाए, ठीक है, और जो थर्ड केला जो है, थर्ड केला खाने के बाद उसे मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता वह उपयोगिता होती है जो हमें एक अतिरिक्त वस्तु के उपभोग से मिलती है। मानिए कि चार केले खाने के बाद राजू को कितनी उपयोगिता मिलती है, 28 उपयोगिता, ठीक है, और 28 इकाई उसको उपयोगिता मिलती है, और पांचवा केला खाने के बाद उसे 30 इकाई उपयोगिता मिलती है। तो जब हम सीमांत उपयोगिता निकालेंगे तो हम पांचवा जो उपयोगिता है इसको हम लोग इसे हम लोग माइनस कर देंगे, कितने उपयोगिता को, चार केले की उपयोगिता को, यानी कि 30 माइनस 28 कितना हो गया, ये 2 इकाई हो गया, ठीक है, 2 यूनिट हो गया, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये एक एडिशनल यूटिलिटी होती है जो हमें एक अतिरिक्त जो उपयोगिता मिलती है, एक अधिक उपभोग करने के बाद जो हमें उपयोगिता मिलती है उसे कहते हैं। इसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, कुल उपयोगिता 1 इकाई से हमें कुल उपयोगिता 12 मिल रहा है। अगर हम 2 लेते हैं तो हमें 18 मिलता है, तो यहाँ पे कितने का गेन हो रहा है, 6 उपयोगिता का गेन हो रहा है। फिर जब हम तीसरा लेते हैं तो हमें 22 मिलता है, ठीक है, 22, तो यहाँ पे कितना उपयोगिता गेन हो रहा है, 4 उपयोगिता गेन हो रहा है। फिर हम जब चौथा लेते हैं तो 24 होता है, तो यहाँ पे 2 उपयोगिता गेन हो रहा है। फिर ये जो कुल उपयोगिता है ये कॉन्स्टेंट रहता है और फिर ये डिक्लाइन होना शुरू होता है। तो हम जितना अधिक से अधिक हम लेते हैं किसी भी वस्तु को तो उसकी उपयोगिता जो है वो कम होते जाती है। मानिए कि अगर हम भूखे हैं और अगर हम कोई मिठाई खा रहे हैं तो जो पहला मिठाई हम खाएंगे तो उसे हमें उपयोगिता अधिक मिलेगी, फिर हम दूसरी खाएंगे, तीसरी खाएंगे, जब हमारा पेट भर जाएगा तो फिर हम फिर खा नहीं पाएंगे और जो मिठाई की जो उपयोगिता है वो कम हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि अगर हम ज़्यादा खा लें तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं, वॉमिटिंग भी हो सकता है। इसलिए हम जैसे जैसे वस्तु के यूनिट को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी उपयोगिता जो है उस वस्तु के लिए कम होते जाएगी। सीमांत उपयोगिता हम लोग देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता जब कुल उपयोगिता 12 रहता है तो सीमांत उपयोगिता भी 12 रहता है, और फिर जब दूसरी इकाई जब हम लेते हैं तो ये सीमांत उपयोगिता कम हो जाता है, ठीक है, और इस तरीके से ये कम होते होते यहाँ पे आता है, और उसके बाद सीमांत उपयोगिता जो है वो माइनस भी हो सकता है, यानी कि ये भी हो सकता है कि जो हम लास्ट यूनिट लें तो उसके लिए हमारी जो उपयोगिता है वो एकदम निगेटिव हो जाए और वो माइनस पर चली जाए। जब हम इस आंकड़ों को जब प्लॉट करते हैं ग्राफ पे तो हम देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता ये पहले तो राइज करता है और फिर ये डिक्लाइन हो जाता है, और मार्जिनल यूटिलिटी जैसे हम वस्तु को लेते जाते हैं, कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी स्लोप डाउन होते जाती है और पांचवे यूनिट तक पहुंचने तक ये निगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी जो है वो एक सिंगल लाइन के द्वारा दिखाया गया है और मार्जिनल यूटिलिटी डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया गया है। तो ये गणनावाचक उपयोगिता के नियम है, लेकिन आम जिंदगी में क्या होता है, हम लोग उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं, हम लोग ये इकाई में यूनिट में हम लोग उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं। तो गणनावाचक जो है उसको संख्या में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और इसलिए ये गणनावाचक उपयोगिता जो है इसे सही नहीं माना गया है। तो ये रासमान उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये दिखाता है कि हम लोग जितना अधिक से अधिक कोई भी वस्तु कंज्यूम करते हैं उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व वो नीचे गिरते जाता है, यानी कि वो डिक्लाइन होते जाता है।
तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एकदिष्ट अधिमान मोनोटोनिक प्रिफरेंस, उपभोक्ता दो बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है जिसमें एक वस्तु की मात्रा ज़्यादा हो और दूसरे की कम ना हो। तो कोई भी उपभोक्ता जो है वो किस बंडल को प्रिफरेंस देगा जिसमें उसे वस्तु की मात्रा जो हो वो अधिक मिले। मानिए कि केला और आम खरीद रहे हैं, तो अगर एक जो बंडल है उसमें एक केला और 15 आम मिल रहा है, दूसरे बंडल में दो केला और 15 आम मिल रहा है और तीसरे बंडल में दो केला और 16 आम मिल रहा है, तो कोई भी उपभोक्ता जो है वो तीसरे बंडल को चूज करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो केले और 16 आम मिल रहे हैं, तो इस बंडल को वो चूज करेगा।